ओके वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मेरी आवाज आ रही है, एक बार मुझे चैटिंग करके बता देना। वेलकम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके गुड इवनिंग ओरिक, गुड इवनिंग ओरिक ने बोला आ रही है आवाज, थैंक यू ओरिक। सो जल्दी से जुड़ जाइए, आई थिंक दैट 5 पार्टिसिपेंट आ गए। आ रहे बच्चे आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थ्री फेज सप्लाई यूजिंग यूजिंग टू वाट मीटर, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी था। तो थ्री फेज सप्लाई में 2 वाट मीटर हमें करना था, तो हम लोगों ने क्या किया था, 1 वाट मीटर को आर और वाई के अक्रॉस जोड़ दिया था, दूसरे वाट मीटर को बी और वाई के अक्रॉस जोड़ दिया था, आर फेज एंड वाई फेज के अक्रॉस जोड़ दिया था, एंड दूसरे वाले को बी फेज और वाई फेज के बीच में जोड़ दिया था। ठीक है, जो R और Y के बीच वाट मीटर था उसमें करंट कॉइल R से जोड़ दी थी, और जो वोल्टेज कॉइल है जो प्रेशर कॉइल जो है वो Y से जोड़ दी थी, और जो B और Y के बीच में दूसरा वाट मीटर लगाया था उसमें हम लोगों ने क्या जोड़ दिया था, करंट कॉइल B के से जोड़ दी थी, B फेज से, एंड जो प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल है वो Y से जोड़ दिया था। ठीक है, इससे हमारा W1 और W2 आ गया था, W3 क्या हो गया था, W1 + W2 जो कि कुछ नहीं दे रहा था, 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज का जो पावर होता है, एक्चुअल में ये आपका 3 टाइम्स करेगा सिंगल फेज की पावर का, जो टोटल पावर कैसे होनी चाहिए 3 टाइम्स की होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, क्या दे रहा पेन, नॉट हेल्पफुल। ठीक है, तो कल के डाउट था कुछ तो पूछ लो। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा पेन, ठीक है, कल का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी। कल का समझ में आ गया था, एक बार मुझे चैट बता दो या मुझे कल का रिपीट करना है, एक बार क्या करो नोट्स एक बार देख लो, कल वाला जो टॉपिक था थ्री फेज यूजिंग टू वाट मीटर एक बार देख लो एक मिनट के लिए। ठीक है, उसमें कोई डाउट हो कुछ भी नहीं आया तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी उसी को ही उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार उस टॉपिक को रिविजन मार लो एक मिनट के अंदर, समझ में आ गया है तो हम फिर आगे चलते हैं, अदरवाइज हम उस टॉपिक को फिर से पढ़ा दें। एक बार बता दो समझ में आ गया, ठीक है, रिविजन मार लो बेटा जल्दी से, मुझे एक बार बता दो समझ में आ गया एवरीवन, यूजिंग 2 वाट मीटर समझ में आया, अरे कोई बता दो आगे चले, क्योंकि वो टॉपिक हमको फिर उसी टॉपिक से आगे उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो बहुत जरूरी है वो टॉपिक का जो कल जो पढ़ा है वो समझ में आ जाना चाहिए। आ गया समझ में, प्लीज बच्चों प्लीज मुझे बताओ आ गया, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पी इक्वल टू 0.4 फॉर्मूला, वो ऑटो आपने जो बोला पी इक्वल टू 0.4 वो मैंने तब बोला है जब आप अजम्पशन नहीं ले रहे हो, जब विदाउट अजम्पशन है, मींस आपकी जो प्रेशर कॉइल है पोटेंशियल कॉइल है वहाँ पे एक इंडक्टेंस आया है, तो वो इंडक्टेंस जीरो हो जाए, क्योंकि अजम्पशन में क्या बोला गया प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस जीरो हो जाए, उस इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस चाहिए होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि टोटल रिएक्टेंस क्या होता है, टोटल रिएक्टेंस इज नथिंग बट एक्सएल माइनस एक्ससी, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए हमारा क्या हो जाएगा रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, जो हमको चाहिए भी एजम्पशन के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऐसा कैपेसिटेंस लेते हैं विच इज नथिंग बट 0.41 LP ओवर RP का होल स्क्वायर, इतना कैपेसिटेंस लेते हैं जो कि हमारा एक एक ऐसी आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो, कैंसिल आउट हो जाए और टोटल रिएक्टेंस हमारा प्रेशर कॉइल का जीरो हो जाए, जो कि अजम्पशन को फॉलो कर दे, क्योंकि बिना अजम्पशन विथ रिएक्टेंस
with any reactant in pressure coil, it will give error. ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे? अच्छा ये फॉर्मूला पूछ रहे हो, ये फॉर्मूला पूछ रहे हो बेटा, इस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, बताने को तो मैं पत्र बता दूंगा आपको, बट ये नहीं पूछेगा कोई कैसे आया। ठीक है, आप अगर ये पूछो कैसे आया तो इट्स नॉट नेसेसरी, मगर चिंता मत करो, मैं बता दूंगा उसको संडे को, मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे याद दिला दिया, संडे में फ्री होता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं, ये तो बस एक फॉर्मूला है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं बोल रहा हूँ 2 वाट मीटर में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ओके चलो, शायद सफिशियंट टाइम हो गया तो मैं समझ रहा हूँ किसी दिक्कत नहीं, तभी लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा। फिर से दारो, कोई दिक्कत तो कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आया, प्लीज मुझे फ्रिक्वेंटली बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बता दीजिए कि नहीं समझ में आया सर, तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर, 2 वाट मीटर में बताया था कि एक होता है W1 वाट मीटर, जो कि हम लोग लगाते हैं आर फेस एंड वाई फेस के बीच में, और एक होता है W2 जो हम लोग लगाते हैं बी फेस एंड वाई फेस। ठीक है, ये वाई फेस। ठीक है, तो जो W1 होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपको प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज क्या होता है, इट्स नथिंग बट वी आर वाई, क्योंकि प्रेशर कॉइल कहाँ लगती है, आर और वाई के बीच में, इनटू करंट कौन सी लेते हैं, इनटू करंट हम लोग लेते हैं करंट कॉइल की। वाट मीटर में पावर कैसे निकालते हैं, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इनटू करंट कॉइल की कॉइल, और करंट प्रेशर कॉइल कहाँ पर जुड़ी है, देखो जरा डायग्राम में, आर और वाई के बीच में, जैसे वोल्टेज लिए हमने वी आर वाई, एंड करंट कॉइल किससे जुड़ी है, बी फेज से, आर फेज से, तो करंट आई आर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 30 प्लस 5, ये कितना जाता है cos 30 प्लस 5। इसी जगह W2 देखते हैं तो उसका वो कहाँ पे लगा हुआ है, प्रेशर कॉइल बी और वाई के बीच में, तो उसका प्रेशर कॉइल का वोल्टेज कितना हो जाता है, वी बी वाई इंटू करंट कॉइल, भी कॉइल कहाँ पे लगी है, बी फेज में, तो उसकी करंट कितनी है, आई बी, और इन दो वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल कितना निकाला था मैंने, cos 30 माइनस 5। फिर मैंने कहा था W3 टोटल कितना हो जाता था, समीशन ऑफ 2 वाट मीटर रीडिंग, वो कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, तो इट इज नथिंग बट वी आर वाई। अच्छा याद रखना, फॉर अ बैलेंस सर्किट, फॉर अ बैलेंस सर्किट वी आर वाई वी बी वाई वी आर बी, नीचे लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे, ठीक है, वी आर वाई वी बी वाई वी बी वाई एंड वी आर बी, ये क्या है एक्चुअल में, लाइन वोल्टेज है, तो ये सारे सारे इक्वल होंगे, है ना, फॉर अ बैलेंस सर्किट, एंड जो फेज वोल्टेज होगा वी बी वी आर वी वाई विच इज ऑल्सो इक्वल, विच इज इक्वल टू वी फेज वी पी, है ना, एंड वी एल इज नथिंग बट अंडर रूट 3 वी पी फॉर अ बैलेंस स्टार कनेक्शन, एंड जो फेज करंट होगी आई आर आई बी एंड आई वाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू फेज करंट, एंड लाइन करंट जो होगी आई आर वाई आई आर बी वाई आई बी आर विच इज इक्वल विच इज नथिंग बट लाइन करंट, और फॉर ए स्टार कनेक्शन लाइन करंट और फेस करंट दोनों सेम, ये मैंने बताया था, ये मैंने बताया था। तो वी आर वाई भी क्या है, जब इसको ऐड करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं वी एल, और आई आर क्या है, इट नथिंग बट आई फेस, और आई फेस क्या है, आई एल के बराबर, तो आई आर को हम लोग लिख सकते हैं आई एल, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, और इधर कितना आता है, वी वी वाई इज ऑल्सो वी एल आई बी इज आई फेस, और आई फेस आई एल के बराबर है, तो आई एल कॉस 30 माइनस, यहाँ तक मैंने बता दिया था।
ठीक है, उसको ले लेते हैं। यहाँ तक कल का ही है चीजें हैं, एक बार रिवीजन के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, cos 30 प्लस 5 को खोलोगे, इसको खोलोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा देगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो वी एल इज नथिंग बट अंडर रूट 3 वी एल आई एल cos 5। एंड फॉर ए बैलेंस सर्किट मैंने बताया वी एल इक्वल टू अंडर रूट 3 वी फेज, वी फेज, तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वी पी, आई एल को हम लोग आई पी ले सकते हैं, cos 5। तो ये वी पी आई पी cos 5 क्या है, इज नथिंग बट पावर पर फेज, एक फेज की पावर है, तो ये क्या 3 टाइम्स ऑफ एक फेज की पावर, तो टोटल क्या आ गई 3 टाइम्स। तो एक फेज की पावर इतनी होगी, इतनी दूसरे फेज की पावर होगी, इतनी तीसरी पावर होगी, तो 3 टाइम्स कर देंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में वाट मीटर की रीडिंग किसके बराबर हो गई, 3 वाट मीटर की रीडिंग के बराबर, 2 वाट मीटर। तो ये आ गया था, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आ गया, ओके आ गया, बता दो मुझे एक बार प्लीज, रिस्पॉन्ड दो, रिस्पॉन्ड दो, क्योंकि मुझे ना पता नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, फिर उसके बाद ना सब गड़बड़ हो जाता है, प्लीज रिस्पॉन्ड दीजिए मुझे, क्योंकि मैं केवल बोलता रहूँगा तो मुझे समझ नहीं, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, और सबने बोला गॉट इट, C1 की नीलम ने बोला गॉट इट, थैंक यू, क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चे, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा ना, सॉरी फॉर खुली बोलूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, या फिर आप लोग क्या किया करो, अपना जो वीडियो जो पॉज किया रखा ना वो ऑन कर दो, ऐसे मुझे कैमरे से दिखाई पड़ जाए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके फेसेस कैसे हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है, एक टीचर को ना बहुत ख्याल रखता है कि अगर वो पढ़ा रहा हो उसको बच्चे को समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली मैं आप लोग समझाने के लिए बैठा हूँ, है ना, मुझे एटलीस्ट मुझे या तो रिस्पॉन्स है थम कर दिया करो या कुछ कर दिया करो, तो मुझे समझ आ रहा है कि आपको समझ में आ गया, मुझे आगे चलना है, ठीक है। तो डब्ल्यू टी निकाल लिया, अच्छा ये तो हो गया, मैंने कौन सी निकाली है, ट्रू पावर पी की बात कर लिया, क्योंकि ट्रू पावर क्या होता है वी एल आई सॉरी वी पी आई पी कॉस पर, दिस इज ट्रू पावर। बट जब हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव पावर तो वो कितना आ जाएगा वी पी आई पी साइन पर, तो हमको आप क्या निकालना है रिएक्टिव पावर, तो हेडिंग डाल लो रिएक्टिव पावर कैलकुलेशन यूजिंग टू वाट मीटर मेथड, रिएक्टिव पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर ट्रू पावर एक्टिव पावर हम निकाल लिया था, अब रिएक्टिव पावर क्यू निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल थिंग, क्या करो बेटा आपने डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू निकाल लो, अब की बार हम लोग क्या निकालना चाहते हैं रिएक्टिव पावर क्यू निकालना, तो क्यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, W1 क्या है पावर ही है, तो ये मत सोचो W मतलब वर्क तो नहीं है, यहाँ W मतलब वाट मीटर बोला जा रहा है, ये पावर ही है, ठीक है। तो इनको करोगे माइनस करोगे कितना आएगा मुझे बताओ, जब इसको माइनस करोगे जब इसको खोल दोगे इसको माइनस करोगे तो ये कुछ आ जाएगा बी एल आई एल साइन पर, बी एल आई एल साइन फाइव, दिस इज नॉट क्यू वी एल आई एल साइन फाइव, दिस इज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, और क्यू क्या होता है क्यू इज नथिंग बट अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू, अंडर रूट थ्री का मतलब यहाँ रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी एल आई एल साइन फाइव, ठीक है। और मुझे पता है वी एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट थ्री वी पी एंड आई एल इक्वल टू क्या होता है आई पी फॉर ए बैलेंस स्टार कनेक्शन, ठीक है।
बैलेंस स्टार कनेक्शन, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ रख देंगे सी डी पी आई पी साइन। तो अगर एक क्यू निकाले पर फेज, एक फेज के लिए क्यू निकाले तो कैसे निकलता है, वी पी आई पी साइन फाइव। तो जो क्यू टोटल आया है, क्यू टोटल आया है वो क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ क्यू पर फेज। तो इससे देखिए कि आपका रिएक्टिव पावर भी मेजर हो जा रहा है, रिएक्टिव पावर भी मेजर हो जा रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वी ए आर, वोल्ट एम्पियर बैटरी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे रिएक्टिव पावर क्या है, तो क्या आ जाएगा, रिएक्टिव पावर इसकी वाट टू वाट मीटर है, अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। कोई बोले एक्टिव पावर या टू पावर क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। समझ में आएगा, समझ में आया क्या, आ गया ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू समझ में आया। कौन है, नो आचिल, ओ थैंक यू आचिल, एटलीस्ट आपने कुछ बताया, सच्ची बात बताई, कोई बात नहीं। देखो बेटा, W1 क्या होता है, W1 क्या होता है, वी एल आई एल कॉस फाइव बताया हुआ था, और W2 क्या होता है, W2 टू इज वी, W2 टू इज नथिंग बट वी एल आई एल इज थर्टी प्लस फाइव कॉस थर्टी प्लस फाइव एंड दिस इज कॉस थर्टी माइनस फाइव। मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है, इतना समझो। और टू वाट मीटर डब्ल्यू वन क्या है, वी एल आई एल कॉस थर्टी प्लस फाइव और वी एल आई एल कॉस थर्टी माइनस फाइव, ये मानते कि नहीं मानते, पता ना आची क्यू से, आची इतना आया, ठीक है, आची आ गया, ओके थैंक यू। तो W1 माइनस W2 करोगे, हैं W1 माइनस W2 करोगे तो इतना आ जाएगा, तो फिर तो खोलोगे और 30 प्लस फाइव छोड़ोगे, cos A प्लस B फॉर्मूला खोलोगे उससे आ जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B का, ये होता है, इसको देख लेना, ठीक है। तो उसको खोलोगे तो इतना ही आ जाएगा, जस्ट ओपन करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। कितना समझ आया, W1 वन माइनस डब्ल्यू टू कितना आएगा, वी एल आई एल साइन फाइव, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दोगे तो आपको ये आ जाएगा, जिस ओपन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कॉस ए की जगह थर्टी है, बी जगह फाइव है, आई की जगह कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो कॉस थर्टी प्लस फाइव आई थिंक दैट ये खुलेगा, मुझे एग्जैक्टली अगर याद नहीं है मगर शायद यही होता है, कॉस थर्टी cos 5 माइनस साइन 30 प्लस साइन 5, cos 30 माइनस 5 होता है शायद, cos 30 cos 5 माइनस साइन 30 माइनस साइन माइनस साइन 30 साइन 5। तो ऑब्वियसली cos 30 cos 5 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा माइनस करके, देख लेना अपने हिसाब से, शायद ये प्लस होता है ये माइनस होता है, उल्टा होता है, ये प्लस होता है ये माइनस, ये कट जाता है साइन थर्टी, साइन थर्टी कितना आता है वन बाई टू, वन बाई टू टू टाइम पर होता है तो साइन फाइव आता है, ऑब्वियसली ये आना चाहिए, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला रखोगे तो ये आ जाएगा, आ गया, आ गया अच्छी, ये फॉर्मूला रखोगे तो ये आ जाएगा, आ गया, आ गया जी, आ गया, थैंक यू। तो W1 माइनस W2 में रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव, रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव। द रिएक्टिव पावर ऑफ थ्री फेज टू वाट मीटर, हाँ रिएक्टिव पावर फॉर थ्री फेज यूजिंग टू वाट मीटर, राइट, हाँ राइट राइट मीटर,
ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट थ्री जी एल साइन फाइव रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हम बोल रहे हैं क्यू टोटल, रिएक्टिव पावर टोटल। रिएक्टिव पावर टोटल क्या हो जाएगी, एक फेज की रिएक्टिव पावर मान लीजिए है आपकी क्यू डी पी आई साइन फाइव, तो तीन फेज की क्या हो जाएगी, थ्री टाइम्स ऑफ परफेक्ट। एक फेज की अगर ये क्यू फेज है और तीनों में सेम पावर जा रही है, मैंने बताया ना बैलेंस सर्किट है, तो तीनों में सेम पावर जाएगी, चाहे एक्टिव पावर होगी चाहे रिएक्टिव पावर होगी। तो अगर ये वी पी आई पी साइन फाइव एक फेज की है तो तीनों फेज की क्या हो जाएगी, थ्री टाइम्स ऑफ वी पी आई पी साइन फाइव वो निकलना चाहिए, वो निकलता भी है क्योंकि अंडर रूट थ्री डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू टू की रीडिंग क्या आती है, थ्री वी पी साइन फाइव। कैसे, क्योंकि वी एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट थ्री वी पी एंड आई एल इक्वल टू क्या होता है, आई पी। ये रखेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है, इट इज नथिंग बट क्यू पे, क्यू मतलब रिएक्टिव पावर पर पे, तो ये थ्री टाइम्स है ना, ये एक्चुअल में कितनी रीडिंग दे रहा है, टोटल रिएक्टिव पावर, टोटल रिएक्टिव पावर थ्री पे। आसान आया, अच्छी अच्छी बताओ, ठीक है, आई होप तो आप समझ में आ गया होगा अच्छी, तो थैंक यू। चलिए आगे चलते, तो अगर निकालना है मान लीजिए टेन फाइव, टेन फाइव निकालना, टेन फाइव क्या होता है, टेन फाइव क्या होता है, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। अगर हम इसको लिख दे थ्री वी पी आई पी साइन फाइव, और इसे लिख दे थ्री वी पी आई पी कॉस फाइव, थ्री वी पी आई पी का ओपन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, दिस इज नथिंग बट थ्री वी पी आई पी कॉस फाइव क्या होता है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, एंड देखा हुआ पीछे, इसके वाले किसके बराबर होती है, थ्री वी पी आई पी साइन फाइव, इसके वाले किसके बराबर होती है, थ्री वी पी आई पी कॉस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टू, ये देता है और डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू का अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई करने से जाता है। देखा हुआ, तो टेन फाइव कितना आ गया, इज नथिंग बट अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो फाइव कितना आ जाएगा या पेज एंगल कितना आ जाएगा, फॉर टू वाट मीटर सर्किट, टू वाट मेजर वाट मीटर मेजरमेंट ऑफ थ्री पे सप्लाई कितना आ जाएगा, फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू और डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो कॉस फाइव कितना आ जाएगा, कॉस फाइव मतलब पावर फैक्टर, तो उससे पावर फैक्टर मेजर हो जाएगा, फाइव निकाल दोगे ना, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू पता ही है, तो इनका सब्ट्रैक्ट करो अपॉन इनका ऐड करो, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दो, टेन फाइव आ जाए फाइव निकल आएगा, फाइव निकल जाएगा कॉस फाइव निकल जाएगा, कॉस टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू है। तो आप इससे क्या मेजर कर सकते हो, पावर फैक्टर, ठीक है, कौन आ गया, पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हो, कर लोगे ना टू वाट मीटर से। और टू वाट मीटर कब लगता है, जब बैलेंस सप्लाई होती थी, अदरवाइज थ्री वाट मीटर लगेगा सबकी अलग अलग फेज, जब अनबैलेंस होगी तो एक फेज में इतना पावर होगा जो भी नहीं दूसरे फेज में सेम हो, बैलेंस होगा तो तीनों में सेम पावर है, एक फेज की पावर दूसरे फेज की पावर से सेम हो, अपने बैलेंस वाले में ये लगेगा, अदरवाइज थ्री फेज सप्लाई के लिए तीन वाट मीटर लगाओ, अलग 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 दो तीनों के अलग अलग पावर मेजर करो, दोनों को जोड़ो, तब आता है आपको टू पावर, और तीनों का अलग अलग फेज एंगल निकालो, सब सर्किट का एंगल जोड़ो, तब आता है टोटल फेज एंगल, बट ये हम लोग बात कर रहे हैं जब थ्री फेज सप्लाई की बात करें, नॉर्मली अनबैलेंस की बात करें, बैलेंस वाले में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारे पास भी सप्लाई आती है इंडिया में वो बैलेंस थ्री फेज सप्लाई आती है, तो इन इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जितने भी सर्किट बने होते हैं सबका ऐसा ही होता है, टू वाट मीटर से हम लोग जो भी पावर मेजर करते हैं वाट मीटर आता है, उसमें एक्चुअली टू वाट मीटर लगी जाती है, इंडिया में जो भी हमारा पावर को मेजरमेंट करते हैं
वाट मीटर होता है ना, 2 वाट मीटर लगे क्योंकि सारा सर सप्लाई आ रहा है आपके पास, जो आ रहा है जो सप्लाई आ रहा है वो आपका थ्री फेज बैलेंस सर्किट वाला आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आ गया? पावर फैक्टर मेजर कर लोगे इससे? कर लोगे ना? हेलो गिना, हेलो गिना, ओके थैंक यू। हाँ एक बार फोन दे दिया होगा, अच्छा लगता है मुझे। तो तुम्हें फोन आता है? हाँ कम आ रहा, ठीक है। तो एक टेबल बना लो, अलग अलग फाइल पावर फैक्टर W1 W2 और पावर कैसे जाएगा इस पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल का ही पहले हम लोग बना लेते हैं टेबल। चलो टेबल बनाते हैं। हम लोग पावर फैक्टर टेबल बना रहे हैं, इधर हम लोग W1 ले रहे हैं, इधर W2 ले रहे हैं, इधर टोटल पावर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट सपोर्ट दे जहाँ हम लोग ले रहे हैं। पेज एंगल की बात कर रहे हैं 5, या हम लोग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं विच इज नथिंग बट कॉस 5, या हम लोग W1 की बात कर रहे हैं विच इज नथिंग बट IL कॉस 30+5, लेफ्ट सपोर्ट है W2 की बात कर रहे हैं विच इज नथिंग बट VL IL cos 30-5, ऐसे बोलते हैं 2 पावर की बात कर रहे हैं W1 + W2, एंड यहाँ देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2। ये क्या बता रहा हूँ, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, अलग अलग न्यूमेरिकल कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बना लो टेबल टाइप का। ऐसे बोलते हैं कई रीडिंग हम लोग लेते हैं, 0 डिग्री के लिए लेते हैं, 30 डिग्री के लिए लेते हैं, 4-5 रीडिंग ले लेते हैं और फिर आपको बताते बोल रहे हैं कि हमने टेबल इसको बंद भी कर देते हैं, ठीक है, कि हमें डिब्बा फोन है। ठीक है, चलो टेबल भी अच्छी बन गई। चलो अब चलते हैं, लेट्स अबाउट दैट 5 = 0 एंगल। तो आपका पेज एंगल 0 मीन आपका पेज एंगल 0 का होने का मतलब क्या है? पेज एंगल किसके बीच में होता है? पेज एंगल किसके बीच में होता है? फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। पेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। आपकी ये बात हम टेबल बना रहे हैं 3 फेज सप्लाई के बारे में, 3 फेज स्टार सप्लाई और बैलेंस वाली 3 फेज स्टार बैलेंस सप्लाई। फेज एंगल 0 मतलब फेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट 0 है, तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस 0। कॉस 0 का मतलब 1 मींस यूनिटी। W1 क्या हो जाएगा? VL IL cos 30+0 मींस cos 30। cos 30 कितना होता है? cos 30 इज नथिंग बट 1/2 नहीं, cos 30 का रूट 3/2 रूट 3/2 कितना जाएगा? अंडर रूट 3/2 VL। यह वैल्यू रखते हैं, इधर कितना जाएगा? cos 30-0 ये cos 30 सेम ही आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 VL IL। टोटल पावर क्या होता है इन दोनों का सम? ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 VL IL। और W1 एंड W2 दोनों इक्वल हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? W1 = W2। मीन जब पेज एंगल 0 होगा तब आपके पावर कितनी जाएगी? रूट 3 VL IL। W1 कितना हो जाएगा? W2 कितना हो जाएगा? और दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब पेज एंगल 0 होता है तो W1 कितना होगा, W2 कितना होगा, पावर कितनी, क्या रिलेशन होगा, पावर फैक्टर क्या होगा,
तो वो आप निकाल लोगे, निकाल लोगे ना डायरेक्टली, आपको आंसर चूज करके टिक करना था। तो ये जो रिजल्ट है वो बाय हार्ट याद भी कर लेंगे कितना होता है जब जीरो होता है अलग अलग एंगल पे, तो तुम वहाँ पे सॉल्व करने लगोगे तो बहुत धीमे हो जाओगे। और हमें क्या करना है, बहुत फास्ट फास्ट आंसर देना है। अब वो जो बताओ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा तो सॉरी पाई 30 डिग्री हो गया, मतलब फेज एंगल 30 डिग्री हो गया है, जो फेज वोल्टेज एंड फेज करेंट में आपका जो फेज डिफरेंस है 30 डिग्री हो गया है। तो इधर मतलब अगर आपका जो इंपेडेंस है फेज सप्लाई का वो आपका इंडक्टिव है, तो करंट जो है वोल्टेज से फेज वोल्टेज से फेज करंट 30 डिग्री लैग करेगी। अगर कैपेसिटिव है तो फेज वोल्टेज से फेज करंट लीड करेगी 30 डिग्री, बताया होगा। कैपेसिटिव लीडिंग पावर फैक्टर, इंडक्टिव लोड होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर। तो आप थ्री फेज सप्लाई का कौन सा लोड है इस पर डिपेंड करेगा, बस इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो कितना जाएगा कॉस 30, कॉस 30 का मतलब कितना हो जाता है, कॉस 30 में रूट 3 बाई, यहाँ भी रखेंगे 5 × 30 कॉस 60। कॉस 60 का मतलब क्या होता है, कॉस 60 का मतलब कितना होता है 30 प्लस क्या होता है 1/2, कितना रहेगा रियल आई एल बाई 2। और 30 − 5 30 − 30 कितना होता है 0, तो cos 0 मतलब 1, तो कितना रहेगा रियल आई एल 1/2। थैंक यू। तो टोटल पावर क्या रहेगा इन दोनों का सम, तो कितना रहेगा 3/3 रियल आई एल। और डब्ल्यू वन जस्ट हाफ ऑफ डब्ल्यू टू, तो रिलेशन जो आ जाएगा डब्ल्यू वन जस्ट हाफ ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। या डब्ल्यू टू इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू वन। जब 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 60 मतलब 1/2 डब्ल्यू वन, कॉस 60 रखेंगे तो कॉस 90, कॉस 90 का मतलब क्या होता है 0। यहाँ 60 रखोगे तो कॉस माइनस 30, कॉस माइनस 30 मतलब कॉस 30 होता है, पता है ना, कॉस इज इवन फंक्शन, तो कॉस माइनस 30 मतलब कॉस 30, पता है ना, कॉस 30 मतलब रूट 3/2, तो कितना रहेगा रूट 3/2 नियर आई एल। इसीलिए कॉस को कैसा बोलते हैं इवन फंक्शन। बस साइन माइनस 30 कितना होता है माइनस साइन 30, तो साइन को क्या बोलते हैं और फंक्शन, तो देखा है ना साइन माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30, साइन को क्या बोलते हैं और फंक्शन, पता होगा। खैर तो टोटल पावर क्या रहेगी इन दोनों फंक्शन कितना होता है रूट 3 वी एल आई एल, रूट 3 वी एल आई एल। तो इसमें रेशियो क्या होती है, कोरिलेशन नहीं होती, डब्ल्यू टू 0 होता है और डब्ल्यू वन रीड टोटल पावर, तो टोटल पावर किसका प्रॉब्लम होती है डब्ल्यू वन के प्रॉब्लम। जब आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर फैक्टर ऑब्वियसली कॉस 90 मीन 0 हो जाएगा, है ना, तो कितना जाएगा 90 + 30 मतलब कॉस 120, कॉस 120 मतलब साइन 30, कॉस 120 मतलब माइनस साइन 30, कॉस 120 मतलब माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब माइनस वी एल आई एल साइन 30 मतलब 1/2, यहाँ कितना जाएगा 30 − 90 मतलब cos माइनस 60 इन cos 60, cos 60 का मतलब कितना होता है 1/2, तो कितना रहता है डी एल आई एल बाई। तो देख रहा हूँ जब दोनों ऐड करोगे पावर कितनी जाएगी टोटल पावर 0, वैसे रेशियो क्या होता है डब्ल्यू वन नथिंग बट माइनस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो काफ़ी आप पूछते हैं कि क्या होता है क्या रिलेशन होती है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं टेबल से, कैलकुलेट भी कर सकते हो, फॉर्मूला पता होगा, बट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पाया जी, काफ़ी आप पीछे आती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है। डब्ल्यू टू सर डब्ल्यू टू पी टी हो, ओके ओके ओके, ये उल्टा लिख दिया, डब्ल्यू 1 0 होगा एंड डब्ल्यू टू पी टी, उल्टा लिख दिया, डब्ल्यू टू में होल पावर है, ठीक है। तो ये आपको पता भी नहीं चाहिए, याद भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये सोना की कोई दिक्कत है,
तो मुझे बताओ। हाँ ओके लेट्स सपोज दैट आप डायनो में तो पढ़ रहे थे, आप एम सी कनेक्शन कर रहे थे, मीन एम और सी को आपने क्या किया था, शॉर्ट किया था, तो आपको पावर मिल जाता है, तो उसमें एरर कैसी आती है वो हम देखेंगे। मीन एम और सी का मतलब एक आपने लिया था फिक्स पॉइंट जिसे हम लोग करंट पॉइंट बोला था, उसका एम सी रहा था और क्या सी रहा था, एल सी रहा था, और एक प्रेशर कॉइल था जिसमें एक आर पी का रेजिस्टेंस लगा रखा था, ये आपकी करंट कॉइल है, लेट सपोज दैट इसमें एक रेजिस्टेंस है आर पी, वैसे तो हम बोल लेते इट इज हाईली इंडक्टिव, नो रेजिस्टेंस इज देयर, बट अगर रेजिस्टेंस हुआ तब क्या एरर आएगी, हम आपकी करंट कॉल में एक आर पी रेजिस्टेंस ले लिया, इसका एक आर पी रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, आर पी रेजिस्टेंस ले लिया, इधर आर पी रेजिस्टेंस ले लिया, ये आपकी सी था, एम और सी को हमने शॉर्ट कर दिया, इसे बी तो एल ओ बी को हम लोगों ने ओपन रखा और हम लोग लोड कहाँ लगाएंगे, करंट कॉल के पास, लेट्स सपोज दैट आपने एक इंपोर्टेंस लिया जिसका मैग्नीट्यूड जेड है और एंगल फाई है, लेट्स सपोज दैट फेज एंगल आपका फाई है, ये आपने लिया तो यहाँ पे आई एल आएगा, अब बिकॉज ऑफ आर सी, बिकॉज ऑफ करंट कॉइल पे रेजिस्टेंस क्या एरर आएगी ये हमें देखना है, तो ये इधर करंट कॉइल का सॉरी दिस इज प्रेशर कॉइल, दिस इज प्रेशर कॉइल चलो इसको हटा देते हैं, इसी प्रेशर कॉइल, इसी करंट कॉइल, सी मतलब करंट कॉइल, सी मतलब प्रेशर कॉइल, तो प्रेशर कॉइल के क्रॉस हम क्या लगाते हैं, फेज वोल्टेज लगाते हैं बताया हुआ था, और करंट कॉइल का क्रॉस फेज करंट, तो प्रेशर कॉइल के क्रॉस फेज वोल्टेज लगाया है, लेट सपोज दैट इधर हमने वोल्टेज लगाया है वी फेज, दिस इज नथिंग बट प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, ये जो फेज वोल्टेज है पी एच जिसे बोल रहे हैं, पी एच जिसे बोल रहे हैं, पी एच मतलब फेज वोल्टेज, वो हमारे किसके अक्रॉस लगा, प्रेशर कॉइल पे, और ये जो करंट कॉइल पे करंट है आई सी, वो किसके अक्रॉस लगी, लोड के अक्रॉस, समझ गए, प्रेशर कॉइल पे हमेशा फेज वोल्टेज लगाते हैं एंड करंट कॉइल पे हमेशा लोड लगाते हैं जिसमें हमारी फेज करंट फ्लो कर, फेज करंट फ्लो कर, ये बताया हुआ था, तो टोटल पावर, टोटल पावर मान लीजिए इस जेड में कितनी हो जाएगी, ये शुड बी वी एल आई एल, ये ट्रू वैल्यू होगी, क्यों क्योंकि इतनी आनी चाहिए पावर, अगर हम पावर मेजरमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल पावर मेजरमेंट क्या बोलता है, ये तो ट्रू पावर होगी, कितनी आनी चाहिए वी एल, यानी कि इसका वोल्टेज है आई एल से करंट जाए, बट एक्चुअली अगर हम पावर मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, करंट कॉइल का वोल्टेज इंटू सॉरी प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इंटू करंट कॉइल की करंट, मीन प्रेशर कॉइल का वोल्टेज वी पी सी है और करंट कॉइल की करंट कितनी है आई सी, नो प्रॉब्लम, बट इधर से हम लोग फिगर से देख रहे हैं आई एल इक्वल टू आई सी, जी पी सी क्या है देख रहा हूँ, जी पी सी इज नथिंग बट यहाँ से लगाइए ये प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, इधर टेबल लगाइए, जी पी सी इज नथिंग बट वी एल प्लस आई सी इंटू आर सी, अगर एक रेजिस्टेंस है, अगर नहीं रेजिस्टेंस होता निग्लिजिबल होता प्योरली इंडक्टिव होती कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होती आर सी जीरो होता, बट केयर विल बी एरर इंटू हैविंग सम रेजिस्टेंस, ठीक है, इधर इधर का इंडक्टेंस का मतलब नहीं है, इंडक्टेंस होगा भी तो कोई हम लोग देखते हैं कोई, अगर एक्ट हुआ भी वो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमें टोटली ये वोल्टेज समझ पाए, ठीक है, तो वी पी सी कितना देगा वी एल प्लस आई सी आर सी इंटू आई सी, तो वी एल आई सी आई सी स्क्वायर इंटू आर सी, और ये क्या है वी एल आई सी क्या है सॉरी आई सी इक्वल टू आई एल है, हम लोग इसके लिख सकते हैं वी एल आई एल प्लस आई एल का होल स्क्वायर इंटू आर सी, ये बेसिकली क्या है दिस इज वन इज ट्रू पावर दिस इज मेजर पावर, मेजर पावर क्या है ट्रू पावर प्लस आई एल का होल स्क्वायर इंटू आर सी, ये एक्चुअल में क्या है हमारी एरर, दिस इज एरर,
एरर कितनी होगी यहाँ पे, एरर इज नथिंग बट आई एल का होल स्क्वायर इन टू आर सी। अगर प्रेशर सॉरी करंट कॉइल में कोई रेजिस्टेंस आर सी है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कॉइल में एक इंडक्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है, देन देयर विल बी एरर इन पावर मेजरमेंट। और एम और सी ऐसा डायनामोमीटर यूज करते हैं, इसमें एम और सी जो होता है शॉर्ट होता है करंट कॉइल का सी, एम सॉरी करंट कॉइल का एम और प्रेशर कॉइल का सी दोनों शॉर्ट होते हैं, दोनों जिससे भी जुड़े होते हैं, तो वो पावर मेजरमेंट के लिए पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए होता है। तो उसमें एरर कितनी आ जाएगी, आई एल स्क्वायर इंटू आर सी ड्यू टू हैविंग फाइनाइट रेजिस्टेंस इन करंट, ड्यू टू हैविंग फाइनाइट रेजिस्टेंस इन करंट, दिस इज एरर, दिस इज एरर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, इट इज एरर ड्यू टू एमपी कनेक्शन, एरर कैलकुलेशन। तो एरर बेसिकली क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस इन करंट का, और वो कितनी होती है आई एल का होल स्क्वायर इन आर सी, आई एल का होल स्क्वायर इन आर सी, आर सी क्या रेजिस्टेंस इन करंट का, समझ में आया क्या। चले आगे, समझ में आ गया, ऐसे दे दिया करो मुझे सिंबल, आप चेक करते बार बार चैट पे आते हो बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे बता दिया करो ऐसे। आ गया, चले एरर क्या हो गई, पी एम माइनस पी टी, पी एम माइनस पी टी कितना आ गया, दिस इज पी एम माइनस पी टी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर कहाँ से करेंगे, करंट कॉइल का वोल्टेज इंटू सॉरी प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इंटू करंट कॉइल का करंट, यही बोला ना, पावर कैसे निकलती है, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस क्या वोल्टेज लगा है इंटू करंट कॉइल के अक्रॉस क्या करंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वी पी सी इंटू आई पी सी। अगर देयर विल बी कॉस फाइव तो देयर विल बी फाइव, देन देयर विल बी ऑल्सो ए टर्म्स ऑफ कॉस फाइव, अगर फाइव जीरो है तो फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन बी पी सी एंड आई पी सी, हम कॉस फाइव रख दीजिए वहाँ पे, है ना। आ गया, आ गया, समझ में आया, बताओ भैया आ गया। आ गया, क्या हुआ, एरर क्या बेसिकली आई एल का होल स्क्वायर इंटू आर सी, ठीक है, अचिन बोले अच्छा, थैंक यू, ओके थैंक यू, 3110, थैंक यू अचिन। चलो तो एरर बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल हो गई, लोड करंट के स्क्वायर के, तो लोड करंट का अगर कम कर दे तो एरर भी कम हो जाएगी। तो अगर एरर कम करनी है तो हमें कैसा करना पड़ेगा, ये मेजरमेंट बेस्ट सीक्वेंस किसके लिए होगा, दिस इज बेस्ट सीक्वेंस फॉर, दिस इज बेस्ट सीक्वेंस फॉर, सीक्वेंस फॉर लो लोड करंट, लो लोड करंट मेजरमेंट। तो जो वाट मीटर जो रीडिंग आपका रहा है एनीमीटर यूज करके, ये बेस्ट मेजर कैसे करेगा, जब आपका जो लोड है वो हाईली हाई लोड हाई इम्पिडेंस वाला होगा, हाईली रेजिस्टिव होगा, हाईली इम्पिडेंस वाला होगा, या फिर लो लोड करंट वाला होगा, या फिर लो लोड करंट बोल दो
या इसी को बोल देते हैं हाई रेजिस्टेंस, हाई लोड, हाई लोड या हाई रेजिस्टेंस। हाई लोड वाला है या लो लोड करंट वाला है वाला मेजरमेंट ये बहुत एक्यूरेटली करता है, ये बहुत एक्यूरेटली करता है। समझ में आ गया? ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। ये भी पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि इट इज यूज फॉर विच मेजरमेंट, हाई लोड या लो लोड करंट। अब हम लोगों को मेजर कर लिया है, वोल्टेज मेजर कर लिया, करंट मेजर कर लिया है, पावर मेजर कर लिया। अब हम मेजर करेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी। तो इसका मेजर करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी। इनका जो मेजर करते हैं यूजिंग ब्रिज करते हैं, सर्किट्स होते हैं जैसे आर एल सी सर्किट, अननोन एंड नोन के बीच के ब्रिज बनाते हैं। तो नोन क्वान्टिटी से अननोन क्वान्टिटी निकालते हैं, तो आपका आर होगा, एल होगा, सी होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एल है। तो सबसे ज़्यादा आएगा ही आएगा। आज मैं वर्ड से दे रहा हूँ, मेजरमेंट से आपका ये मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस वाला आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा स्टार्ट देते हैं। फिफ्थ है रेजिस्टेंस वाला मेजरमेंट आता है, और फिफ्थ कैपेसिटेंस आता है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस मेजरमेंट आ रहा है। सर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्या लिखा था, किसने लिखा था वो, किसने लिखा है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दो, वाट मीटर से दे देते तो जाते लिख लो। चलो ठीक है, लिखो लिखो क्वेश्चन। यूजिंग टू वाट मीटर मेथड, टू वाट मीटर मेथड मेथड फॉर थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्शन पावर मेजरमेंट स्टार कनेक्शन पावर मेजरमेंट द फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज इज 4 वोल्ट एंड फेज करंट इज 2 एम्पियर एंड फेज एंगल इज 30 डिग्री। कैलकुलेट, सबको निकाल दो, टोटल पी टी, टोटल क्यू टी, पी टी मतलब क्यू पावर, क्यू टी मतलब आपका पी टी क्या हो गया समथिंग, टोटल रिएक्टिव पावर। तो ये फेज एंगल कौन सा है, फेज एंगल बिटवीन फेज, मगर हमको निकालना है टोटल, टोटल एंगल, टोटल फेज एंगल, टोटल फेज एंगल 1, 2, 3 एंड फिर निकालिए पावर फैक्टर। तो सब लोग निकालो, सब लोग निकालो। मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैंने अपने मन से एक क्वेश्चन दिया है, सब लोग निकालो। वाट मीटर है, थ्री फेज बैलेंस पावर सप्लाई यूजिंग टू वाट मीटर, निकालो जल्दी। आपको क्वेश्चन दिया गया, डीपी दिया गया आपको समथिंग 4 वोल्ट, आई पी दिया गया है 2 एम्पीयर, आई आपको दिया गया है 30 डिग्री। सबसे पहले निकालो पी टी, फिर निकालो क्यू टी, फिर निकालो फाई टी, फिर निकालो पावर। तो
जल्दी निकालो फिर बताओ मुझे, मैं 2 बजे आ रहा हूँ, अब तक तो बताओ आंसर, ठीक है जल्दी बताओ। ओके किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? बीपी क्या था? 4 वोल्ट आईपी था, 2 एम्पीयर आपका आया। आई हैव तो पीपी आ रहा है, उनके हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से पीपी आ रहा है 20.785 वाट, पीपी आ रहा है 12 वोल्ट एम्पीयर रेटिंग। आईपी कितना आ रहा है? था सब में लगाओ, और कहाँ के था बच्चे, और वे बच्चे कहाँ गए? और सब बच्चे कहाँ गए? और सब नहीं निकाला अंकल? आईटी कितना आएगा? फोटो आईटी कितना आएगा? और सब बच्चे कहाँ गए? कितने सारे बच्चे हैं, कोई लगाई नहीं आंसर, कोई नहीं लगाएगा। देखो कितने सारे बच्चे हैं, अच्छी है, बारी है, 3111000 है, लीचा है, नीलम है, कहाँ गए? और बच्चे बड़े कम है, क्या बात है, बच्चे बहुत कम है। तो बच्चे कहाँ गए? आप तो बच्चे ही बहुत कम है, केवल बहुत कम बच्चे। चलो कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ। चलो मैं लगा W1 कितना होता है? W1 इज नथिंग बट VLIL cos 30 प्लस 5, सर पेज एंगल 30 डिग्री आएगा। गुड, पेज एंगल कौन चेंज होगा? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, पेज एंगल कौन चेंज होगा? पेज एंगल सेम ही रहेगा ना, जो पेज में डिफरेंस है वोल्टेज एंड करेंगे, उसको तो दिया ही गया था, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। चलो एंड W2 VLIL cos 30 माइनस 5, तो बताया जब φ=30 होता है, तो φ=30 होता है तो W1 क्या होता है? इज नथिंग बट VLIL बाय 2 एंड W2 क्या होता है? VLIL और VL क्या है? √3 ऑफ VP इन √3 ऑफ 4√3 एंड IL क्या है? IP के बराबर 2 एम्पीयर। ये कितना रहेगा?
फोर रूट थ्री इंटू टू बाई टू, तो ये आ जाएगा फोर रूट थ्री। डब्ल्यू टू कितना आ जाएगा, रियल इंटू आई एल, रियल है फोर रूट थ्री इंटू आई एल है टू, कितना जाएगा एट रूट थ्री। टी कितना रहता है इंटर टू बट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू टी टी इंटू नथिंग बट इनको इनको कर रहा सम, तो कितना रहेगा जिस टू टाइम थ्री और ट्वेल्व इंट थ्री। आई होप सो 20.875 ही आएगा। ठीक है, टू टी क्या होता है टू थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों डिफरेंस कितना रहेगा डब्ल्यू वन फोर रूट थ्री एट रूट थ्री, तो दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस फोर रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री, माइनस लगेगा नीचे हो जाएगा बस पेज एंगल नीचे की ओर हो जाएगा। ये आप आपका जो बनता था ना पी ऊपर बनता था पी नीचे बन जाएगा, इसका अंतर होगा और ये आपका एफ एफ हो जाता है, तो पी ऑफ क्यू निकल जाएगा तो एफ भी निकल आएगा, तो ये कितना रहेगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग। कोई अगर एफ पूछे तो एफ कैसे निकलेगा पी टी कॉल स्क्वायर प्लस क्यू टी कॉल स्क्वायर पावर फैक्टर पॉइंट ऐसे। हाँ आई टी 30 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 मतलब रूट थ्री बाई पॉइंट 86, तो ये आ जाएगा पावर फैक्टर, दिस इज माई पावर फैक्टर। पेज एंगल में कुछ निकालना ही नहीं था, जो पेज एंगल पेज और वोल्टेज के बीच का एंगल होगा वही आपका सर्किट का होगा, टोटल एंगल होगा, एंगल दोनों चेंज हो जाएगा। या आप निकाल के भी देख लो टेन इनवर्स रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, अच्छा से लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, जब इससे कैलकुलेट भी करोगे ना किसी को डाउट हो ना तो निकाल लो पाई टेन इनवर्स एंड द रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, जब इससे कैलकुलेट भी करोगे तो 30 डिग्री ही आएगा, तो डिफरेंस नहीं आएगा, कैलकुलेट करके देखेंगे 30 डिग्री ही आएगा, कुछ अलग नहीं आ जाएगा। जो दिमाग की बात थी ना चाहे के लिए कैलकुलेट करोगे, जब दिया गया है फेज एंगल तो टोटल फेज एंगल क्या है फेज एंगल दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस होता तो ऑब्जेक्टिव पर फेज पर निकालते फिर जोड़ते, पर बैलेंस है तो सेम ही रहेगा ना, फिर अनबैलेंस होता तो अनबैलेंस का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्या टेंशन ले रहे हो, अनबैलेंस का क्वेश्चन ही नहीं आने का। ठीक है, कौन आ गया एवरी वन क्विकली रिस्पॉन्ड, सबको समझ आ गया, इज नो रिस्पॉन्स, क्या प्रॉब्लम आ रही है, यस ओके थैंक यू आशीष। चलो आगे चलते हैं नए टॉपिक पे, अभी हम लोगों ने बहुत कैलकुलेशन कर लिए वोल्टेज करंट पावर, ओके थैंक यू। अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो ये जो मेजरमेंट करते हैं यूजिंग ब्रिजेस करते हैं, अलग अलग ब्रिज पढ़ेंगे बहुत सारे ब्रिज पढ़ेंगे, तो आर का होगा मेजरमेंट, एल का होगा सी का होगा, तो मैंने बोला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आने ही आना है वो मेजरमेंट ऑफ एल आएगा, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ आर आएगा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो कम इम्पॉर्टेंट है कॉमन टाइप का है वो आपका मेजरमेंट ऑफ सी आएगा, तो मेजरमेंट ऑफ एल आना ही है बहुत इम्पोर्टेंट जो है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, वो कैसे निकालेंगे वन बाई वन का सर्किट देखेंगे। एंड ब्रिजेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आप ब्रिज पढ़ भी लेते हो फेजर डायग्राम भी बना लेते हो कैलकुलेशन करना भी आ जाता है, बट प्रॉब्लम होती है ब्रिज के सर्किट भूल जाते हो, पहले मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा फिर शॉर्टकट बताऊँगा कैसे फॉर्मूला याद करें कैसे उसका सर्किट याद करें, तो सारे बच्चों का ना मेजरमेंट में एक ही प्रॉब्लम होता है सर ब्रिजेस भूल जाते हैं, ब्रिजेस नहीं याद होते हैं सर्किट सर्किट डायग्राम भूल जाते हैं, उन्होंने जैसे बोल दिया वो कि हेज ब्रिज है हेज ब्रिज इंडक्टेंस मेजर करता है या बी शॉर्टी ब्रिज है
ओवंस भी है या एंडरसन भी है, नाम दे दिया और बोला उससे आप निकालो इंडक्शन निकालो अननोन और कुछ वैल्यू दे दी, अभी निकाल पाओगे या तो फॉर्मूला याद होगा या और था सर्किट फिगर याद होगा, सर्किट डायग्राम याद होगा, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तरीका ये है कि आप सर्किट डायग्राम बाई हार्ट याद कर लो, वो तो याद ही करना पड़ेगा सर्किट डायग्राम, मेरा ऐसे काम ही चलने वाला है। तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग बीटेक में थे तो हम लोग क्या करते थे, तो किसी चार्ट में बना लेते थे फोटो, अपने रूम के रूम के दीवार पर लगा देते थे ताकि हम जब भी देखें तो सर्किट को देखते रहें, बार बार नज़र पड़े और हमें याद हो जाए सर्किट, ऐसे हम याद करते थे। ठीक है, तो आप लोग जैसे कोशिश करो, जैसा भी आप लोग का मेथड हो उसे आपको याद से करना पड़ेगा, इसमें मैं बोलूँगा कि बाई हार्ट आपको याद करना पड़ेगा। खैर, बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता रहूँगा कि उसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, उसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, थोड़ा बहुत जैसे मैंने अपना तरीका निकाला था याद करने का, क्योंकि ये सब याद करने वाला बहुत आ जाता है इसमें, तो वो सब चीज़ देखेंगे। खैर, इसमें नहीं आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए मेजर मेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्री टाइप में हम लोगों ने इसको क्लासिफिकेशन किया है, लो लेवल में रेजिस्टेंस मेजरमेंट थ्री टाइप में क्लासिफाई किया है, थर्ड फर्स्ट हम लोगों ने क्लासीफाई किया है इसको लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट एंड हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। क्वेश्चन काफ़ी अब पूछा गया, लो रेजिस्टेंस इसको बोलोगे, लो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से कम होती है, काफ़ी बार पूछा गया लो रेजिस्टेंस किसकी वैल्यू होती है, चार ऑप्शन होते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ओम से कम हर रेजिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं लो रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल वाइंडिंग्स ऑफ मोटर्स जनरेटर हम लोग मशीन पढ़ेंगे तो मोटर के अंदर जनरेटर जाता है, जनरेटर क्या करता है एनर्जी निकालेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जनरेटर मोटर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी या अलग एनर्जी लाइक थर्मल एनर्जी कुछ भी एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसकी जो वाइंडिंग होती है कॉपर की वाइंडिंग होती है तो उनमें भी थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, जैसे हर मीटर में रेजिस्टेंस होता है कॉपर में रेजिस्टेंस होता है तो वो जनरली 1 ओम से कम होता है, तो वो वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो आपका लो रेजिस्टेंस में आता है, तो उनका मेजरमेंट हम लोग यूजिंग लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, 1 ओम से कम रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस बोलेंगे, काफ़ी बार पूछा गया बता रहा हूँ ये चीज़ याद कर लो, 1 ओम से कम रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस आपके 1 ओम से लेकर के आपके 100 किलो ओम तक होते हैं उन रेजिस्टेंस को मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अपने पड़े होंगे वो सारे के सारे मीडियम रेजिस्टेंस ही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो सारे के सारे मीडियम रेजिस्टेंस में आते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन आए हुए मीडियम रेजिस्टेंस को दो चार ऑप्शन होते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से ज़्यादा होते हैं वो सारे के सारे हाई रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है नॉट कंडक्टर, तो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो वो आपके एक्चुअल में इंसुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंस, तो इंसुलेटर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, सुना आया,
डाउट है? थैंक यू। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, वो मेथड हम देखते चलते हैं। फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट हम लोग मेजर किसको करते हैं? एक टेक्निक होती है केल्विन डबल ग्रिप। क्या टेक्निक होती है? केल्विन डबल ग्रिप। आगे पढ़ेंगे क्या होता है केल्विन डबल ग्रिप। तो केल्विन डबल ग्रिप होता है। इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वोल्ट एम्पियर और एम्पियर वोल्ट मेटर यूज़ करते हैं, बट वो लोगों के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम होती है। वोल्ट मीटर एमीटर मेथड और एमीटर वोल्ट मीटर मेथड दो मेथड जो होते हैं, जो पावर मेजरमेंट भी बताया था मैंने, तो यहाँ पे भी मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग आ जाती है, मीटर से करंट रीडिंग आती है, और जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है V/R, वो रहता है आपका रेजिस्टेंस। तो मीडियम आर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मीडियम आर के लिए जो लो आर के लिए केवल एक मेथड यूज करते हैं, केल्विन डबल ग्रिप। कहीं कहीं वोल्ट मीटर मेथड और मीटर वोल्ट मीटर मेथड भी लिखा होता है, बट मेरे ख्याल से जो एक्यूरेट होता है वो मीडियम आर के लिए हम लोग वोल्ट मीटर और मीटर वोल्ट मीटर मेथड यूज करते हैं। अच्छी बुक्स में आपको मीडियम आर के लिए वो लिखा होता है। कुछ गंदी सी बुक्स होती है, लोकल बुक्स होती हैं, उनमें लिख देती हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर मेटर मीटर वोल्ट मीटर मेटर से भी लो आर कैलकुलेट होता है, होता नहीं है, ठीक है, बहुत एरर आती है। तो मीडियम आर के लिए हम यूज़ करेंगे वीट स्टोन। ये सबको पता होगा वीट स्टोन बीच, इस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वीट स्टोन बीच, ट्वेल्थ से पढ़ के आ रही है वीट स्टोन या हीट स्टोन, जैसे वीट स्टोन होना चाहिए। वीट स्टोन बीच, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, और हम लोग पढ़ सकते हैं एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, दो मेथड होते हैं। वोल्टेज के बाद एमीटर लगा होता तो वोल्ट मीटर मीटर मेथड बोल देते हैं, एमीटर के बाद वोल्टेज लगा होता तो एमीटर वोल्ट मीटर मेथड बोल देते हैं। इसके अलावा होता है सब्सटीट्यूशन मेथड तीसरा होता है ओम मीटर मेथड। तो होता है मीडियम आर के लिए चार टेक्निक। इस वजह से केल्विन डबल ब्रिज ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। हीट स्टोन भी इम्पोर्टेंट है, एंड वो वोल्ट मीटर एंड एमीटर वोल्ट मीटर मेथड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मेन चीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग जाए कितने हाई आर में, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, जैसे मेगर्स है, तो ओके हाई वाले में अगर जा रहे हैं तो आपके पास तीन मेथड है। मेगर मेथड पढ़ा होगा आपने, दूसरा है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, जैसे कि कैपेसिटर का यूज करते हैं, एंड तीसरा है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मेगस मेथड इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत लॉस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, इसमें सब में सबसे तो इम्पोर्टेंट है केल्विन डबल ग्रिप, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम लो आर मेजरमेंट ही पढ़ते हैं। तो लो आर के लिए एक मेथड बताया मैंने केल्विन डबल ब्रिज, मीडियम आर के लिए हीट स्टोन, वोल्ट मीटर, मीटर वोल्ट मीटर, सब्स्टिट्यूशन, ओम मीटर, एंड हाई आर के लिए बताया मेगा, लॉस ऑफ चार्ज एंड डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेथड। तो एक ही करके पढ़ते हैं, उससे पहले आप डाल लीजिए लो आर मेजरमेंट। लो आर मतलब आर शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन वन ओम। ये कौन सा मेथड है? केल्विन डबल ग्रिप, डबल ग्रिप, ठीक है। ये कैसे बनता है?
कौन आ रहा है प्लीज मुझे बताते चलिएगा। देखो बच्चे मैंने फिर से बोला है ना, मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है, तो प्लीज मुझे बताते चलिएगा। कौन आ रहा है ना, तो कैल्विन डबल बिच हेडिंग डाल लीजिए। ये कैसे बनता है देखते हैं, ट्राइंगल शेप नहीं आ सकता है, नहीं आएगा ट्राइंगल शेप, आई होप सो। ये वैसा शेप है, बेकार शेप है, नहीं ट्राइंगल देख रहा था मैं, नहीं आएगा। चलो उसको लेते हैं, मैं कैसे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ बना दूँ यहाँ पे एक अनादर भी होता है, ये कलर कलर यूज कर लेते हैं, ये ऐसे यूज होता है, ऐसे होता है। ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे हम लोग क्यू बोल देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे हम लोग क्यू बोल देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ये कैपिटल पी है, दिस इज कैपिटल पी, इसको एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे स्मॉल पी बोल देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे स्मॉल क्यू बोल देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे स्मॉल आर बोल देते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे एफ बोल देते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे आर बोल देते हैं, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू की पावर सप्लाई, अब ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन या पीएमएमटी लगा देते हैं, मीटर लगा देते हैं, जिसे जी मीटर, नॉर्मली मीटर कैसा होता है, पीएमएमटी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, ठीक है। जो आपके पास कैपिटल पी एंड कैपिटल टू क्यू है, वो आपको कहते हैं आउटर रेशियो आर्म, बाहर वाले, देखिए कवल डबल ब्रिज को बोलते हैं, दिस इज कैल्विन डबल ब्रिज, डबल ब्रिज क्यों इसे डबल ब्रिज बोला, क्योंकि एक ब्रिज ये है दूसरा ब्रिज ये है, ठीक है। पी ऑफ क्यू क्या है, आउटर आर्म है, आउटर रेशियो आर्म जिसे बोलते हैं, और स्मॉल पी एंड क्यू, स्मॉल क्यू क्या है, इसे इनर रेशियो आर्म, कैपिटल आर क्या है, जो अननोन रेजिस्टेंस को हमको मेजर करना है, जो लो रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस है उस चीज को मेजर करना है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है, उसको मेजर करते हैं। एस क्या है, इसकी नोन रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये हमें पता होता है इसके पहले, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, एस की वैल्यू हमें पता होती है। आर क्या होता है, जिसकी तकनीक है लेड रेजिस्टेंस, लीड रेजिस्टेंस, लेड रेजिस्टेंस, जो उसके लेड लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस, ये भी नोन होता है, ठीक है। तो केल्विन डबल ब्रिज में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, हम इसकी थ्योरी कैसे आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये इम्पोर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई नहीं पूछेगा ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला याद रखो, जो आर रेजिस्टेंस होता है जिसको हमको कैलकुलेट करना है, जो आर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल पी बाई टू इंटू एस प्लस स्मॉल आर स्मॉल क्यू अपॉन पी प्लस स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर इंटू पी बाई टू माइनस स्मॉल पी बाई स्मॉल
आज जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है वो सिंपल पी बाई क्यू एफ आर बाई क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू इससे निकल आएगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो किसी अननोन रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो इसे फॉर्मूले में रख दीजिए अलग अलग वैल्यूज को, तो आपको ये निकल आएगा। ये कब आ रहा है? जब आपका मीटर की रीडिंग जीरो है, रीडिंग जीरो है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जब मीटर की रीडिंग जीरो है तब तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप इतना बढ़ाया आर अनोन लगाया पी क्यू की समथिंग वैल्यू चेंज करी कि मीटर की वैल्यू जीरो जीरो हो गई, और जहाँ पे मीटर की वैल्यू रीडिंग जीरो हुई वो वही आपके पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस आ जाएंगे, वो इस फॉर्मूले में रखेंगे आपको आंसर आएगा। डायरेक्टली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी करवा दूंगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आती, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा देखो क्वेश्चन लिखिए, इन ए डबल ब्रिज, इन ए कैल्विन डबल ब्रिज, इन ए कैल्विन डबल ब्रिज द आउटर आर्म रेशियो, द आउटर आर्म रेशियो आउटर आर्म रेशियो रेशियो इज 4/5, 4/5। इसका मतलब पी क्या है? 4 ओम एंड क्यू क्या है? 5। द आउटर रेशियो आर्म 4/5, आउटर रेशियो आर्म 4/5 इन 4 ओम आपका पी हो गया, या क्यू कैपिटल क्यू कितना हो गया? 5 ओम। एंड एंड स्मॉल पी, स्मॉल पी या बोल दीजिए इनर रेजिस्टेंस स्मॉल पी, एंड इनर रेजिस्टेंस स्मॉल पी इज 1 ओम, एंड स्मॉल क्यू इज 2 ओम, इज 2 ओम, एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एफ इज 10 ओम, एफ इज 10 ओम, एंड लीड रेजिस्टेंस, एंड लीड रेजिस्टेंस आर इज 0.5 ओम। द केल्विन डबल ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर। इन बैलेंस रेजिस्टेंस का मतलब, बैलेंस कंडीशन मतलब है आपका जो मीटर है वो जीरो रीडिंग दे रहा है, इस मीटर की रीडिंग कहती है जीरो। अब निकालो, निकालो वैल्यू, आप केल्विन डबल ब्रिज आएगा तो आपको सारी वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है, सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। केल्विन डबल ब्रिज है तो सिंपली ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर बताओ जी। इस फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला रख दो, स्मॉल पी पता है, स्मॉल पी पता है, लीड रेजिस्टेंस स्मॉल आर पता है, कैपिटल पी पता है, कैपिटल पी पता है, एस पता है, तो आर बता दो, जल्दी बता दो आर कितना आएगा। बोल रहा हूँ स्मॉल कैपिटल पी आपको पता है 4 ओम, ये आपको दिया गया 5 ओम, ये आपको दिया गया 1 ओम, ये आपको दिया गया 2 ओम, ये आपको दिया गया 0.5 ओम, ये आपको दिया गया है एस कितना दिया गया 10, सब ओम की दिया गया, तो आर कितना निकलेगा?
ठीक है, आर कितना निकलेगा? बताओ जल्दी आर कितना निकलेगा? अननोन रेजिस्टेंस आर। जस्ट मैंने ऐसे ही रेंडमली पुट कर दिया आपको वैल्यू, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वैल्यू उसका आंसर कितना आएगा। जस्ट मैंने अपने मन से वैल्यू ले ली है, तो हो सकता है मैंने गलत से वैल्यू ले ली हो तो आर की वैल्यू वन ओम से ज़्यादा आ जाए। वैसे जो क्वेश्चन देगा उस हिसाब से ऐसी वैल्यू देगा कि आर की वैल्यू वन ओम से कम ही है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 8.0857। देखो मैंने अपने मन से वैल्यू ले ली थी, ठीक है, तो ये 8 आ रही है। वैसे तो वो क्वेश्चन देगा तो वो कुछ वैल्यू देगा, याद रखिए हमेशा इसकी जो आंसर आएगा वो आर शुड बी लेस देन 1 ओम आएगा, और केल्विन डब्ल्यू बिट्स आएगा। चार ऑप्शन होंगे, अगर चारों में तीन ऑप्शन 1 ओम से ज़्यादा होंगे तो उसको हटा भी सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। करंट ऑप्शन क्या होगा? 1 ओम से कम। अब आप कहोगे सर इसमें तो 1 ओम से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने मन से वैल्यू दे दी थी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये जो 8.087 आया है मैंने अपने मन से वैल्यू ले ली थी, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, ऐसे बना दिया मैंने तो इसलिए आया। बट वो जो क्वेश्चन रखेंगे वो ऐसी वैल्यू लेंगे कि आर की वैल्यू 1 ओम से कम हो। अगर आपके पास चार ऑप्शन आते हैं और केल्विन डबल ब्रिज का क्वेश्चन बोल रहा है और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन के लिए 1 ओम से कम रेजिस्टेंस वाला है और तीन ऑप्शन जो आ रहे हैं वो 1 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले हैं, तो सारे तीन के तीन गलत हो जाएंगे। ठीक, ये कैसे रेजिस्टेंस के लिए है? लो लेवल रेजिस्टेंस है ना, याद रखोगे? बस पुट कर देना, सबकी वैल्यू आ रही है, लगभग सबकी 8.8 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ, अगर अभी केल्विन डबल ब्रिज में इनर आर्म रेशियो इक्वल टू आउटर आर्म रेशियो हो गया, ये हम क्या बोल रहे हैं? इनर आर्म रेशियो इक्वल टू आउटर आर्म रेशियो हो जाए, मीन्स कैपिटल पी बाई क्यू इक्वल टू स्मॉल पी बाई क्यू हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? रख के देखो, कैपिटल पी बाई क्यू एस प्लस आर क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर इनटू कैपिटल पी बाई क्यू माइनस स्मॉल पी बाई क्यू में कैपिटल पी बाई क्यू रखोगे ये जीरो हो जाएगा, आंसर कितना रहेगा? आर इक्वल टू पी बाई क्यू। तो ये कैसा हो जाएगा? दिस इज सीम्स लाइक हीट स्टोन ब्रिज, हीट स्टोन ब्रिज। यह रखिएगा, जब भी इनर आर्म और आउटर आर्म सेम हो जाती है केल्विन डबल ब्रिज में तो वो किसमें तब्दील हो जाता है? हीट स्टोन ब्रिज में। इसमें तब्दील हो जाता है हीट स्टोन ब्रिज, दिखाएंगे हीट स्टोन ब्रिज ये कैसे आया, बट आप समझ लो हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी इनर आर्म रेशियो एंड आउटर आर्म रेशियो मतलब पी बाई क्यू इक्वल टू कैपिटल पी बाई क्यू इक्वल टू स्मॉल पी बाई क्यू, तो क्या रहता है? ये वीट स्टोन ब्रिज में कैलकुलेट होता है। और वीट स्टोन ब्रिज किसके लिए होता है? मीडियम आर के लिए। तो अगर आपको केल्विन डब्ल्यू ब्रिज यूज करना है फॉर मीडियम रेजिस्टेंस के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट स्टोन बदलना पड़ेगा, मीन उसके इनर आर्म रेशियो और आउटर आर्म रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, मीन ये कंडीशन आनी पड़ेगी। तो आप केल्विन डब्ल्यू ब्रिज से मीडियम आर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, समझ में आए? केल्विन डबल ब्रिज इज वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। ठीक है, आगे चले चल सकते हैं आगे। ये कैसे आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा किसी को दिक्कत हो किसी भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक से देख लीजिए। ठीक है, कभी नहीं पूछा गया कि इसका थ्रू भी कभी नहीं पूछा गया, गेम में कभी नहीं आया, बट आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आप कैसे याद करते हो वो आप देख लो पूछ सकते हैं, फॉर्मूला आप कैसे याद करते हो आप अपने आप ही देख लिया। वैसे था मैं तरीका कैसे मैंने अपना तरीका बताया कैसे निकाला था याद करना, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ मैंने कैसे निकाला था, और ऊट पटाख निकाला था, मैं याद हो गया था मुझे,
अच्छा मैंने क्या फॉर्मूला ऐसे निकाला था याद करने के लिए, देखो मैं बताता हूँ। पी देखो पी और क्यू आमने सामने हैं, आउटर आर्म रेशियो है तो इधर रख दिया, और पी और क्यू में आउटर में और क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, इधर ले आए और आर लगा, आउटर आर्म देखो आउटर आउटर ट्राइंगल में देखो पी लगा है क्यू लगा है एफ लगा है आर लगा है, क्योंकि आर आ गया है बाहर, आर निकालना है तो पी बाई क्यू आउटर आर्म रेशियो इंटू एफ प्लस इधर क्या होगा, इधर सारा सारा इनर आर्म वाले वूम, इनर आर्म में क्या है पी क्यू स्मॉल आर, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर, तो इधर क्या होगा स्मॉल अंदर वाले इनर ट्राइंगल वाले एलिमेंट होंगे, इनर ट्राइंगल एलिमेंट क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ पी आ चुका था इसलिए आर और क्यू है तो आर और क्यू का मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि पी यहाँ पे आ चुका था इसलिए कैपिटल पी आ चुका है इसलिए स्मॉल पी यहाँ पर नहीं आएगा, और नीचे क्या होगा समीशन ऑफ इनर ट्राइंगल वाले इंटू इंटू आउटर आउटर आर्म रेशियो माइनस इनर आर्म रेशियो, आउटर आर्म रेशियो माइनस इनर आर्म रेशियो, इस तरीके से याद करते हैं, नहीं पता आप लोग कैसे याद करते, मैंने इस पटक तरीके से याद किया था, ठीक है, बट याद होना जरूरी है, अल्टीमेटली आपको याद होना चाहिए, आप कैसे याद करते, ये नहीं पूछने जा रहा कोई कि आपने कैसे याद किया, बस आपको याद होना चाहिए। ओके लीचन लिखा नाइस, ओके थैंक यू लीचन, ठीक है आपको याद होना चाहिए, खैर ओके सॉरी। अब हम मीडियम आर मेजरमेंट कर रहे हैं, मीडियम आर मेजरमेंट, ठीक है एक और चैट आई, याद हो गया था, ओके याद हो गया, ठीक है अच्छा ट्रिक था, ओके आपका थैंक यू बच्चे के लिए याद हो गया, उन्हें याद भी हो गया, अच्छा है तो ट्रिक्स बनानी चाहिए अपने हिसाब से, याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद आ रहा है केमिस्ट्री में हम लोग वो करते थे ना कौन सी पीरियोडिक टेबल्स, उसको भी ऐसे ही याद कराते थे, गाना सुना सुना करके तो ऐसे याद करते, कुछ रखने के लिए हम लोग ऐसे याद करना पड़ता है। खैर मीडियम आर में हमने क्या होता है बी टी स्टोन होता है, वोल्ट एम्पीयर एम्पीयर मीटर होता है और एम्पीयर वोल्ट मीटर होता है, लेट्स सपोज दैट सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्ट एम्पीयर मीटर, वोल्ट एम्पीयर मीटर ये मीटर, ये मैटर में एम्पियर इधर लगा हुआ है मींस लोड के पास में एम्पियर लगा हुआ है, तो एक एम मीटर लगा हुआ है और इधर आपका लोड लगा हुआ है, लेट्स सपोज आपका एक आरएल लोड है रेजिस्टिव लोड है, तो लोड के पास कौन सा लगेगा एमीटर और इधर क्या लगेगा आपका एक वोल्ट मीटर, बस ये मैटर बी पहले बाद में है। या ऐसा बोल सकते हो ए कहाँ होगा लोड साइड, लोड साइड तो ये बी, तो अगर देयर विल बी एमीटर, एमीटर में रेजिस्टेंस होगा आर ए का, देयर विल बी बी, तो ऑब्वियसली इधर एक करंट जा रहा होगा, करंट जाएगा आई एल का करंट, क्योंकि इधर आई एल जा रहा है और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज होगा बी एल, तो अगर आर एल निकालना है आर एल क्या हो जाता है बी एल बाई आई एल, ये आर एल की ट्रू वैल्यू हो गई, ये आर एल की क्या हो गई ट्रू वैल्यू आर टी ऑफ नहीं आर एल की ट्रू वैल्यू है ना, आर एल की कैसी वैल्यू है ट्रू वैल्यू, इतना आना चाहिए, बट हमारा तरीका क्या है जब वी ए मेथड लगा रहे हैं तो हमारा तरीका ये है कि आर एल कितने आएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन एम मीटर रीडिंग, तो वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एम मीटर रीडिंग, वी क्या है वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग मतलब ये वोल्टेज वी, और वी कितना बराबर है वी इज नथिंग बट यहाँ से लगाते हैं आई एल इंटू आर ए प्लस वी एल, तो वी कितना है वी एल प्लस आई एल इंटू आर, एम मीटर रीडिंग क्या है एम मीटर में कितने करंट जा रही है आई एल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा वी एल बाई आई एल प्लस आर, तो वी एल बाई आई एल क्या है दिस इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू, एंड ये किसकी वैल्यू है दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू,
ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में एरर कितनी आ रही है? एरर कितनी आ जाएगी? एरर इज नथिंग बट मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दिस इज नथिंग बट आर। तो इस मैटर में एरर कितनी आती है? एमीटर रेजिस्टेंस की, समझ गए? अगर एमीटर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा कम से कम हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो, आपका जो कैलकुलेशन है फॉर मीडियम आर कैलकुलेशन वो उतना ज़्यादा आ जाएगा। मीडियम आर कैसे निकालोगे? बेसिकली वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग, तो उससे आ जाएगा आपका मीडियम आर। जब मीडियम आर आप कैलकुलेट कर रहे हो डीए मेथड से, तो देयर विल बी एन एरर ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस, देयर विल बी एन एरर ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? ओके, एमीटर रेजिस्टेंस। ओके, आ गया। तो आप देख रहे होंगे आपने कैलकुलेट करना था आर एल, बट आपको साथ में कैलकुलेट क्या हो जा रहा है? आर ए भी, एमीटर रेजिस्टेंस भी। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया था? आर एल प्लस आर ए। आपको कैलकुलेट करना था आर एल, आपने कैलकुलेट क्या साइड में कर लिया? आर ए भी। तो आर ए क्या है एक्चुअल में? आपकी एरर। अगर एरर कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आर एल को बढ़ाइए। अगर आर एल को आप बढ़ा देंगे, हाई आर एल ले लेंगे, तो आर एल किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा? आर टी के, है ना, है ना। आर टी यहाँ पे टोटल, आर टी टू वैल्यू से कोई कंफ्यूज हो जाए, ये टोटल वाला होता बता रहा हूँ, टोटल। तो आर एल किसके बराबर हो जाएगा? आर टोटल के। और ये इनको चाहिए भी, क्योंकि आर टोटल ही क्या है बेसिकली? वोल्ट मीटर एंड एमीटर की रीडिंग, है ना, है ना। या आप लोग बोल सकते हैं जो आर एल मेजर मेजर्ड है वो किसके बराबर है? आर एल प्लस आर ए। यही पीछे पढ़ा था ना, अगर आर एल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आर एल मेजर्ड किसके बराबर हो जाएगा? आर एल के बराबर हो जाएगा, या ट्रू वैल्यू आर एल बोल दो तो उसके बराबर हो जाएगा। समझ गए? आर ए आप नहीं घटा पा रहे हो, कोई बात नहीं, आर एल आप बढ़ा दीजिए तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर मीडियम रेंज, मीडियम में कितनी होती है? 1 ओम से लेकर के आर जब 100 किलो ओम का होगा तो उसे मीडियम रेंज बोलेंगे। तो इट इज सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस नियर बाय 100 किलो ओम, मीन्स मीडियम रेंज की जो 100 किलो ओम होंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप मान के लिए 80 किलो ओम से लेकर के 100 किलो ओम की जो रेंज होगी, या 75 किलो ओम से लेकर के 100 किलो ओम की जो रेंज होगी, उसके लिए यूजफुल होगा डीए मेथड। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे आर एल लेंगे वो मीडियम के हाई रेंज वाला लेंगे, जिससे कि आपका आर ए का इफेक्ट कम से कम होगा। तो आर ए एक तरह से मीटर रेजिस्टेंस है, जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि एरर है, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, मीडियम रेंज का के लिए यूज होता है। और मीडियम रेंज में भी जो 100 किलो ओम वाली रेंज है, 75 से 100 किलो ओम की जो रेंज है, उस रेंज के लिए हमारा डीए मेथड यूज होता है।
आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर मीडियम में तो 1 ओम से लेकर के 20 ओम भी आता है, 1 ओम से 20 ओम के लिए ये मेथड यूजफुल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे आर ए कंसिडरेबल हो जाता है, समझ गए। ये मेथड इसके लिए होगा 75 किलो ओम से 100 किलो ओम के बीच का अगर रेट आर है तो आप ये मेथड से कर लीजिए, अदरवाइज बहुत एरर देगा, बहुत ज़्यादा एरर देगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आ गया, बस ये पॉइंट नोट करना। आया, थैंक यू। ठीक है, अब हम यूज करते हैं एबी मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। इसका वही तरीका है, वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग हमारा क्या देगा, मेजर्ड आर। इसमें क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं दिस इज आर, एल रेजिस्टेंस, और ए बी मीटर है तो इसके बगल में क्या होगा, वोल्ट मीटर, और इससे दूर क्या होगा, एमीटर। तो इसीलिए ए बी बोल देते हैं, वोल्ट मीटर आपका लोड साइड है। ठीक है, तो लेट सपोज दैट, अलग कलर यूज कर लेते हैं, लेट सपोज दैट इधर आपका करंट जा रहा है आई एल, इधर आपका करंट है आई जी, इधर कितना करंट जा रहा होगा, आई एल प्लस आई जी, क्या रहा होगा अमीटर में, तो अमीटर में कितना करंट जा रहा है, आई एल प्लस आई जी। आई एल क्या है, मान लीजिए इसके पास वी एल वोल्टेज है, वी एल वोल्टेज क्या होगा, सेम वी वोल्टेज होगा, इतना ही वोल्टेज जो पैरेलल है, तो ये कितना रहेगा, वी ओवर आर एल प्लस इधर कितना वोल्टेज होगा, करंट कितना होगा, वी ओवर लेट सपोज दैट देयर विल बी ए आर बी रजिस्टर, वोल्ट मीटर का रजिस्टर, वी ओवर आर बी। तो ये अमीटर की रीडिंग है, अमीटर का टोटल करंट कितना होता है, वी ओवर आर प्लस वी ओवर आर बी। तो जब हम लोग को ये एक्चुअल में आर एल क्या है, आर एल की ट्रू वैल्यू, दिस इज आर एल ट्रू, मेजर्ड करेंगे आर एल की वैल्यू क्या होता है, वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन अमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है, वी है, अमीटर रीडिंग कितनी है, वी अपॉन आर एल टू प्लस वी अपॉन आर एल। तो आर एल रीडिंग किसके बराबर आ जाता है, इज नथिंग बट आर वी इंटू आर एल टू अपॉन आर वी प्लस आर एल। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर एल इन नथिंग बट ट्रू वैल्यू ऑफ आर एल इंटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अपॉन आर वी प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ आर एल। तो एरर निकालिए, एरर कैसे आती है, मान लीजिए परसेंटेज एरर आप निकालिए, परसेंटेज एरर क्या आती है, आर मेजर्ड वैल्यू माइनस आर एल की ट्रू वैल्यू अपॉन आर एल अपॉन आर एल की इंटू 100 परसेंटेज एरर, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, इसकी ले रहे हैं मेजर वैल्यू आर एल की, ट्रू वैल्यू किसकी ले रहे हैं, आर एल की समथिंग। ठीक है, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो एरर परसेंटेज कितना आ जाएगा, जब आप इसमें एक रखोगे इसको, आर एल मेजर कितना आ जाएगा, आर बी आर एल टी आर बी आर एल टी, आर एल टी मतलब आर एल की ट्रू वैल्यू माइनस आर एल टी अपॉन आर एल टी इंटू 100, दिस इज आर एल टी है, आर एल इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो एरर परसेंटेज कितना आ जाएगा, लगभग मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसमें आंसर लिखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा -1/(1+RV)/RL×100। तो फिर लिख देता हूँ यहाँ सफाई से, आर वोल्टमीटर का और आर एल ट्रू वैल्यू,
ये एरर आ रहा है। तो एरर किस पर डिपेंड कर रहा है? आरएल की ट्रू वैल्यू पे। अगर आरएल की ट्रू वैल्यू कम होगी तो देख रहा होगे एरर भी कम हो जाएगी। आरएल की ट्रू वैल्यू अगर कम होगी तो एरर भी आपकी कम हो जाएगी। तो आरएल कैसा लेना है हमें? कम लेनी, क्योंकि मीडियम रेंज की होती है 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम की होती है। तो मीडियम रेंज का कम वर्जन लेना। तो इट इज बेस्ट सूटेड फॉर 1 ओम टू 20 ओम रेजिस्टेंस मीडियम। तो मीडियम रेंज से कम रेंज के लिए आप ए डी मेटेरियल करेंगे, ज़्यादा रेंज के लिए आप इससे मेटेरियल करेंगे डी ए मेटेरियल। तो ये नहीं कह सकते कि हर मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस के लिए ए डी और डी ए मेटेरियल होगा, नहीं। मीडियम रेंज के भी कुछ, मीडियम रेजिस्टेंस के भी हाई रेंज के लिए आप डी ए मेटेरियल करोगे, मीडियम रेंज की लो रेंज के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस की लो रेंज के लिए आप ए डी मेटेरियल करोगे। समझ में आया? काफ़ी बार पूछा गया है गोल्ड एमिटर मेटर किसके यूज करेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस की हाई वैल्यूज के, हाई रेंज का। और एवी मेटर जब यूज करोगे मीडियम रेजिस्टेंस की लो रेंज के, इसकी लो रेंज होती है लगभग 1 ओम से 20 ओम, अप्रॉक्सीमेटली 20 ओम होती है। कहीं कहीं 25 लिखा होता है, कहीं 30 लिखा होता है, मगर जनरली आप 20 ओम बोल दीजिए। एंड हाई रेंज किसको बोलते हो? जनरली 75 किलो ओम से 100 किलो ओम है, तो इसे हाई रेंज बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ए वी मेथड को आप 75 किलो ओम से 100 किलो ओम का नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, बट देयर विल बी एरर। एंड डी ए मेथड को आप 1 ओम से 20 ओम के बीच का नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, बट देयर विल बी एरर। तो हमको कहाँ यूज करना है एज ए इंजीनियर? वो मेथड यूज करना है एरर कम से कम हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है। अच्छे लोग आ गया, इसमें क्या लिख सकते हैं? नोट करने वाली बात है, डीए इज बेस्ट सूटेड फॉर हाई आर एंड एवी is best suited for low R। कंफ्यूज मत होना, याद करने के लिए ना ऐसे देख लो, V लिखा, V मतलब होता है वेरी, वेरी मतलब ज्यादा, तो हाई R, वेरी हाई, वेरी R के लिए, वेरी मतलब हाई R के लिए। A मतलब क्या होता है? ए वी मतलब जस्ट वी का उल्टा हो जाएगा, तो लो R के लिए। एंड बोथ आर यूज फॉर मीडियम रेंज R, मीडियम रेंज, मीडियम रेंज के लो आर एल हाई आर के बच्चे, मीन्स 1 ओम से लेकर के जो आर एल आपका होगा 100 किलो, ठीक है। तो याद करने पर ये है कि वी मतलब आप वेरी समझो, वेरी मतलब हाई आर की बात कर रहा है, ए मतलब डी ए का उल्टा, ए डी, या आप बोल दो ए अल्फाबेट पहले आता है तो कम रेंज, कम आर के लिए, ठीक है। जैसे भी आप रखते हो अब टू यू, बट ये क्वेश्चन आता है फॉर मीडियम रेंज में हाई हाई आर के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर मीडियम रेंज में लो आर के लिए किस मेथड को यूज करते हैं, तो वहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ तो आप बड़े आसानी से लिखते और नोट्स वगैरह बनाते चले आ रहे हो, पर जब एक्चुअल क्वेश्चन आता है तो सब मिक्सअप हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करने लगा था, क्या मैंने लिखा था। और बी ए मेथड लगाए थे लो आर के लिए फिक्स करते हैं, एंड ए बी मेथड लगाए थे हाई आर के लिए। तो अल्टीमेटली आप कंपटीशन बैठोगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ऐसे याद कर लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनका ना कंफ्यूज नहीं होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होता जब एक साथ सारे सब्जेक्ट आते हैं ना, 5 सब्जेक्ट एक साथ, तब इंसान कन्फ्यूज होना शुरू होता है, इसलिए वो कंप्लीट हो जाता है, क्या इससे पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कि बड़ा और कब है, तो इसलिए उसमें याद करना बहुत जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मस्ती मस्ती पढ़ते रहेंगे, सब कुछ बिना कंफ्यूजन के पढ़ते रहेंगे।
इसके अलावा इसमें जो यूज होता है मीडियम वाले में सेकंड मेथड होता है ओम मीटर, ओम मीटर। हेडिंग डाल लीजिए ओम मीटर। ओम मीटर बेसिकली क्या होता है, अमीटर होता है एक तरह से, जैसे हमने अमीटर बनाना पीएमसी के लिए, तो अमीटर ही होता है बट उसकी स्केल उल्टी है। तो ओम मीटर क्या होता है बेसिकली, बेसिकली अमीटर, अमीटर बट कैलिब्रेशन इज डन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमको पता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, आर अपोजिट करंट, जहाँ पे हाई करंट होगा वहाँ पे लो आर होगा, जहाँ पे लो करंट होगा वहाँ पे हाई आर होगा। तो जैसे आपने पीएमसी पढ़ा, मान लीजिए पीएमएमसी है, उसकी मान लीजिए एक पॉइंटर है जो कि आपका डिफ्लेक्शन करता है, ये मान लीजिए आई मिनिमम है, दिस इज आई मैक्सिमम। ये पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, इस पोजीशन से हट करके कहाँ जाएगा, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम। तो पॉइंटर कहाँ जा सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करेगा। अगर इसी आई मिनिमम को हम लोग बोलते आर में है, और इसी आई मैक्स को बोलते आर में, क्योंकि आर यूनिवर्सिटी टू समथिंग। ये पॉइंटर कहाँ मूव कर रहा होगा, आई मैक्स से आर मैक्स से आर में। तो हमने क्या किया, बस स्केल जो थी ना बी एम एम टी एज अमीटर ही यूज़ किया, एक अमीटर ही यूज़ किया, और उसमें जो स्केल थी ना जहाँ पे जीरो था वहाँ मैक्सिमम कर दिया, जहाँ मैक्सिमम था वहाँ जीरो कर दिया, बस रीडिंग में चेंज कर दिया। ऊपर जो रीडिंग लिखी होती है ना, मान लीजिए जीरो एम पी ए लिखा है और ये लिखा है कुछ हंड्रेड एम पी ए, तो उसी को चेंज कर दिया, यहाँ पर लिख दिया हंड्रेड किलो, यहाँ पे लिख दिया वन। तो ये क्या कर दिया, एक स्केल ली क्योंकि अमीटर ही है, पर यहाँ पे स्केल ली, इसको 100 किलो ओम बोल दिया, इसको 1 ओम बोल दिया, और पॉइंटर चल रहा है। तो ये आप किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। ये कैसे देख लिया आपको बताएगा, एक रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब करंट मिनिमम था तो आर मैक्स था, जब करंट मैक्सिमम था तो आर मिनिमम। तो क्या किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं किया, एक अमीटर ही लिया, बट स्केल जो लिखी थी ना, स्केल जहाँ नंबर बड़े होते ना 1, 2, 3, 0, 5 समथिंग, उसी स्केल को चेंज, स्केल कैलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ओम मीटर। तो कुछ नहीं है, एक अमीटर को ही ओम मीटर में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो हम कितनी देर का है, जब क्या किया, रेजिस्टेंस की स्केल को चेंज कर दिया। समझ में आया क्या ओम मीटर क्या होता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर मिनिमम करंट होती है वहाँ पे आर मैक्सिमम कर दिया इसके लिए, और यहाँ पे करंट बढ़ रही होती है करंट की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू घटती होती है, रिवर्स स्केल को। समझ में आया है? समझ में आया कैसे करता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आर मैक्सिमम वेन जीरो एम्पीयर। हाँ देखो ना, जीरो एम्पीयर पे आर मैक्सिमम कर दिया 100 किलो, जीरो एम्पीयर मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होता है आर मैक्सिमम होता है, जीरो एम्पीयर का मतलब देखो कुछ जो कह रहे हैं सर आई मतलब जीरो एम्पीयर मतलब आर क्या होना चाहिए, इन्फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइटली जो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये कैसा है मीडियम रेंज के लिए बात कर रहे हैं हम, मीडियम रेंज में 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक ही जा सकता है। तो मीडियम रेंज के लिए इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 100 किलो ओम। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वेरी हाई। तो लास्ट रेंज क्या होती है मीडियम रेंज की, 100 किलो। तो जब आई 0 एम्पीयर कैलकुलेट कर रहा हो तो उसको कैलकुलेट करोगे एज 100 किलो ओम, क्योंकि आई सबसे हाईएस्ट
रेजिस्टेंस क्या हो सकता है फॉर मीडियम करंट, मीडियम रेंज रेजिस्टेंस 100 के, तो उसको एज इफ एलिवेट करोगे 0 एम्पियर को, 0 एम्पियर के ऊपर क्या लिखोगे 100 किलो, 0 एम्पियर को मान चलोगे 100 किलो में, एंड जब करंट मैक्सिमम होगा उसको मान चलोगे 1 किलो में, 1 ओम रेजिस्टेंस, समझ गए बेटा। अच्छी आर मैक्स में 0 एम्पियर, हाँ ओके ओके। तो इसका 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 स्केल कैसा होता है, रिवर्स होता है। तो लिख सकते हो, कभी कभी पूछा जाता है दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, ओनली इंस्ट्रूमेंट हैविंग रिवर्स स्केल, हैविंग रिवर्स स्केल। रिवर्स स्केल किसमें होता है, काफ़ी पूछा गया है, ओम मीटर में। और ऑब्वियसली जैसे PMC जो मीटर होता है वो लीनियर स्केल होता है, तो इसकी भी लीनियर ही स्केल होगी, नॉन लीनियर नहीं होगी, क्योंकि PMMC होता है, बट उसमें बस स्केल में चेंज कर सकते हैं। तो इट इज यूज फॉर मीडियम मीडियम रेजिस्टेंस, नॉट फॉर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि क्यों 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 हम लोग को मीडियम रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि मीडियम रेजिस्टेंस भी क्यों होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज नहीं लेता, हाई वोल्टेज नहीं लेता। क्यों नहीं था हाई वोल्टेज, क्योंकि ये PMC टाइप का, बताया था PMC में कितना वोल्टेज मेजरमेंट होता है, कितना करंट मेजरमेंट होता है, लो वोल्टेज एंड लो करंट में रहता है, लो वोल्टेज एंड लो करंट का रेशियो कभी हाई रेजिस्टेंस नहीं, लो वोल्टेज का रेशियो कभी हाई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो मीडियम रेजिस्टेंस ही देता है, इट इज नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल फॉर हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। बट आपको दो पॉइंट याद रखने, एक पॉइंट यह है किसका स्केल रिवर्स स्केल होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसको कैलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे आई मैक्सिमम जा रहा है वहाँ पे आई मिनिमम कर दीजिए, जहाँ पे आई मिनिमम जा रहा है वहाँ पे आई मैक्सिमम कर दीजिए, जगह पे आप 100 किलो लगा दीजिए, आई मैक्सिमम की जगह पे आप 1 ओम लगा दीजिए। तो ये दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कि वर्किंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल हमें वो पढ़ना है, हमें हर चीज नहीं करना, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें हर चीज नहीं करना, हमें केवल इम्पॉर्टेंट बॉडी। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे हीट स्टोन देखेंगे, पर आपको वॉइस कम ज़्यादा हो रहा है, वॉइस कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अभी आ रहा है वॉइस, अभी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग और भी चीज़ देखेंगे, हीट स्टोर देखेंगे, कैरी फॉस्टर देखेंगे, सब्सिट्यूशन मेथड देखेंगे, और फिर इसके बाद हाई रेजिस्टेंस वाला देखेंगे। टाइम हो रहा है इसलिए हीट स्टोर चालू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो फिर इसके बाद इंडक्टेंस देखेंगे, इंडक्टेंस में भी बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, इंडक्टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, केस भी जो होता है, एंडरसन भी जो होता है, ओम्स भी जो होता है, वो हम देखेंगे, और कैपेसिटेंस में डी शॉर्ट भी होता है, तो बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं। मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है इंडक्टेंस मीटरिंग, इंडक्टेंस के ब्रिज को आपको याद ही होना चाहिए, आने जाने रेजिस्टेंस में भी कैलविन डबल ब्रिज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा बहुत मेगर आ जाता है, मेगर इम्पोर्टेंट होता है, और जितने भी कम बता रहे हो मीटर में से रिवर्स के लिए होता है, तो ये सब पॉइंट्स पूछ सकते हैं। और ये मेथड में कहाँ पे किस रेन में यूज़ करते हैं, ये मेथड किस रेन में यूज़ करते हैं, हीट स्टोन में क्या क्या होता है, नल पॉइंट कहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आगे। तो कल देखेंगे हीट स्टोन से चालू करेंगे। आज का कुछ सेशन में कुछ डाउट है तो बस पूछ लो, सबको मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, तो डाउट है उसको तो मुझे पूछते चलो। वो कह रहा बच्चे आप लोग का मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डाउट हो अगर आया तो मुझे पूछते चलो, मैंने अनम्यूट कर दिया है, सब लोग ऐसे करके पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो पूछो, प्लीज़ डाउट मत रखना, क्योंकि मुझे ना ये ऑनलाइन क्लासेज है तो वन वे कम्युनिकेशन ना हो जाए, कम्युनिकेशन क्योंकि बोथ वे है ना, नॉट शुड बी वन वे, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अगर हम कुछ बता रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें पता होना चाहिए। एक तरीका यह है टीचर जो समझाए वो आपको समझ में आए, दूसरा कमीशन क्या है आपको जो समझ
नहीं आ रहे वो टीचर को भी पता लगना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, और दूसरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे नहीं पता लग रहा है। तो बच्चे मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है वो बता दो, मैं संडे को भी क्लास लूंगा एक बार, कोशिश करूंगा। जो ये इफेक्टिव टाइम मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में थोड़ा कुछ ये था सर। हाँ बताइए। उसमें सर एक जैसे कि आपका आयरन डिस्क कहते हैं सर ना सर, आयरन, तो आयरन डिस्क जो आपका आयरन डिस्क रहता है उसमें आयरन, हाँ वो रहता है मूविंग आयरन रहता है, हाँ डिस्क रहता है, उसमें अभी तक के मेजरमेंट में जो भी टॉपिक और समझ नहीं आए वो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से उसको रिपीट कर, संडे क्लास में ऐसे रखूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो मैं ना संडे को एक क्लास रखता हूँ, फिर से क्लास जिसे बोलेंगे उसमें हम लोग आगे कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, जो आया हुआ है उसी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो संडे को मैं ना ये मूविंग आयरन फिर से पढ़ा दूंगा, एक बच्चे ने मुझे बोला, अच्छी बात है। और किसी टॉपिक में डाउट है बता दीजिए, वो भी वो संडे को कवर कर लेंगे, संडे को हम क्या सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे मूविंग आयरन। और कोई डाउट है, किसी को कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आया है तो मुझे पूछे, क्वेश्चन भी दीजिए, कहीं क्या है मत, क्वेश्चन वही दीजिए जो आया हुआ है। इस बच्चे ग्रुप पे जो वाला अनऑफिशियल ग्रुप है ना गोप्रो वाला, उसके कुछ बच्चे ने डाल दिया है मशीन के क्वेश्चन डाल दिए वगैरह डाल दिए, तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। और बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वही फिर सॉल्व करूँगा, अभी वो सब्जेक्ट नहीं चूज करूँगा जो अभी ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। जब वो सब्जेक्ट आएगा तब क्वेश्चन पूछे, बट जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया टॉपिक वो जरूर क्वेश्चन पूछे, कहीं से बताइए जो क्वेश्चन होगा हम सब कॉल करते हैं, सारे क्वेश्चन यही कॉल करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन लगाइए और भी चीज़ें पूछिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। संडे को भी क्वेश्चन आते रहे तो संडे को क्या कीजिएगा, हम दोनों क्लासे रख देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला भी देख लेंगे और मशीन वाला भी देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई टॉपिक आपको नहीं करना है तो वो भी कवर कर लेंगे, मशीन तक की जो जो आपके मेजरमेंट में जो नहीं समझ आया वो हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। संडे को क्लास रख लेंगे, एक क्लास रख लेंगे संडे को, क्योंकि ये समझ पिछले एक बार जिसमें एक क्लास होगी नहीं थी तो यहाँ पर कंपल्सरी में रखेंगे। और कोई डाउट हो पूछो, बस कोई डाउट है अभी तक की। देखो डाउट कब आएगा जब आप फिर से रिविजन करोगे, ठीक है। रिविजन करना एक बार, जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उनको रिविजन कर लेना, फिर डाउट पूछना, ठीक है। संडे को हम करेंगे, चलो अभी तुम वाइंड अप कर देते हैं, अभी कोई बता नहीं रहा है। प्लीज बच्चों, मैंने बोला टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक वे कम्युनिकेशन है, मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया ये हो रहा है, बट आपको क्या समझ नहीं आ रहा वो मुझे नहीं पता लग रहा है, तो दूसरा कम्युनिकेशन भी चालू रखो, आपको जो समझ नहीं आ रहा वो मुझे एटलीस्ट पता तो हो, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे आपको कॉल कराऊंगा। प्लीज जो भी डाउट हो मुझे बताओ, नहीं यहाँ पे बता पा रहा हो पर्सनल जाकर मुझे बता दो, पर्सनल मेरा नंबर आपके पास ग्रुप पे है, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर दो। नहीं बताना चाहते हो अपना नाम तो मुझे पर्सनल बता, कुछ बच्चों में हेल्थ इश्यू होता है सर नहीं क्या नहीं लिखेंगे, पर्सनल बता दो मुझे, बस बता दो क्या समझ नहीं है, ठीक है। ओके ओके चलो, और क्लास के रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं ना वो सबसे पहले मुझे बताया करो, ओके सर, ओके ओके चलो अभी वाइंड अप कर देते हैं, थैंक यू।